आजाद हिंद फौज के सिपाही हमीरपुर जिला के हरिराम शास्त्री को आज भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और किसी तरह से अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए आजाद हिंद फौज ने काम किया, ये सब आंखों के सामने घूमने लगता है। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के गाँव नौशाल डाकघर ब्याड़ के 105 वर्षीय हरिराम शास्त्री स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की बातों को जब भी याद करते हैं तो इनके मन में एक दर्द सा छलकता है। हरिराम के अनुसार अंग्रेजों की गुलामी को झेल रहे हिंदुस्तानियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नई दिशा दिखाकर आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया था। हरिराम शास्त्री ने बताया कि पाकिस्तान के लाहौर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और इसी दौरान सत्याग्रह के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जिस कारण कई दिनों तक अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने बताया कि जेल में सत्याग्रह किया था और अंग्रेजों की प्रताड़ना के बाद हमें छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा देकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। कहाँ पढ़ते थे? लाहौर। हाँ, शास्त्री में पढ़ते थे और फिर हमने सत्याग्रह कर दिया। हाँ, सत्याग्रह मैंने अंदर कर दिया। फिर कुछ दिन अंदर रखा, फिर बोला जो पढ़ने वाले हैं उनको अंदर नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ो। फिर छोड़ दिया। परंतु क्या था, सत्याग्रह किया हमने, जेल गए अंग्रेजों हिंदुस्तान को छोड़ दो और अंग्रेज चले जाओ। ठीक, बंद कर दिया। लगे थे टेंशन और फिर बंद कर दिया। पता नहीं क्यों बंद कर दिया। मांगना चली, मांगो हुआ नहीं किसी के पास। स्वतंत्रता सेनानी हरिराम शास्त्री के पुत्र ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के सभी आंदोलन में शामिल रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बताया कि पहले स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं ली थी और बाद में पेंशन लेना शुरू किया है। ऐसा था सर कि ये जब अमृतसर में पढ़ते थे शास्त्री की इसमें कॉलेज में, उस टाइम से ही ये सुभाष चंद्र बोस की गैंग के साथ मिलकर काम करते थे। जब कोई भी सत्याग्रह होता था सुभाष चंद्र बोस की तरफ से, तो उसमें ये पढ़ते ही शामिल हो जाते थे। सबसे पहले तो इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं मिला कि इसमें सेंटर से इन्होंने पहले ही किसी कोई कारण की वजह से इन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद 1902 में सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको फिर चिट्ठियाँ आईं और उसके बाद इन्होंने अपना पत्राचार करके पेंशन इनको लगी। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी हरिराम शास्त्री के ऊपर सभी गांव वासियों को गर्व है और देशभक्ति का जज्बा हरिराम शास्त्री में आज भी कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसा है कि जब गांव में कोई अच्छा अधिकारी या कोई स्वतंत्रता संग्रामी होता है या जो देश प्रेमी होता है, तो उसके ऊपर सारा इलाका के सारे गांव वासियों को गर्व होता है। हम कहते हैं कि जितने भारत के 130 करोड़ 135 करोड़ देशवासी हैं, उनमें सब में देशभक्ति की विचारधारा जो है, देशभक्ति जो है, कूट कूट कर भरे तो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भरी होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन देशभक्ति जो है ये एक भक्ति है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी हरिराम शास्त्री की गाथा का जिक्र स्वतंत्रता संग्राम की किताब में भी किया गया है, जिसमें देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी दी गई है। हमीरपुर के हरिराम शास्त्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है।